तो क्या आपको भी लगता है YouTube का एल्गोरिदम आपके वीडियोस को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता? तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ YouTube का एल्गोरिदम एक्चुअली में कैसे वर्क करता है और कैसे आप इसका फायदा उठा के अपने चैनल को बहुत मस्त वाला ग्रो कर सकते हो। बट एल्गोरिदम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा YouTube एक्चुअली चाहता क्या है। तो देखो, YouTube चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनके प्लेटफॉर्म पर टाइम बिताए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा उनको एड शो करे और उनकी कंपनी ज्यादा पैसा कमा पाए। और देखो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रोक के रखने के लिए एक ही इलाज है, एल्गोरिदम को उनको अच्छे से अच्छी वीडियोस को कमेंट करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि YouTube पर हर मिनट लाखों वीडियोस अपलोड हो रहे, तो कौन सी वीडियोस किसको दिखानी है, ये लिटरली एल्गोरिदम का सबसे बड़ा टास्क है। और इसको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम दो ही चीजों को नोटिस करता है, एक है पर्सनलाइजेशन, दूसरा है परफॉर्मेंस। अब पर्सनलाइजेशन में क्या होता है, वो व्यूअर्स की हिस्ट्री चेक करता है कि ये बंदा किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताओ, कोई बंदा अगर गेमिंग की वीडियोस बहुत ही ज्यादा देखता है और उसकी हिस्ट्री गेमिंग से भरी पड़ी है, अब YouTube को पता लग गया है कि भाई बंदे को किस टाइप की वीडियोस को देखना पसंद है। बट ऐसे के ऐसी वीडियोस तो लाखों लोग बना रहे होंगे, जिससे कि तुम्हें पता होगा गेमिंग में तो लाखों क्रिएटर्स होंगे। तो यहाँ पर एल्गोरिदम सेकंड चीज पर नोटिस करता है, जो कि है परफॉर्मेंस। तो एल्गोरिदम यहाँ पर ये चीज नोटिस करता है कि अच्छा भाई, लोग क्लिक किस पर कर रहे हैं। जैसे कि कोई वीडियो आई, लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया स्क्रोल करके, या फिर उस पर क्लिक किया और क्लिक किया तो देखा कितनी देर पूरी वीडियो देखी, या फिर थोड़ी सी देख के बीच में छोड़ के चले गए और फिर उस चैनल की एक वीडियो पूरी देखी, या फिर वो लोग दोबारा लोड कर कभी भी नहीं आए, या फिर उस चैनल की एक वीडियो देखी उसके बाद दो, उसके बाद तीन और उसके बाद बहुत सारी वीडियोस देख डाली। YouTube ने एक और नई चीज करना स्टार्ट कर दी है, अब वो व्यूअर्स का सेटिस्फेक्शन भी देखने लग गया है। जैसे एग्जांपल के लिए दो वीडियोस है, दोनों ही 10 मिनट के है और एक बंदे ने दोनों वीडियोस को एंड तक देखा बिना स्किप करे, बट एक वीडियो के एंड में उसको मजा नहीं आया, उसने कहा यार टाइम वेस्ट हो गया, उसको बिल्कुल कुछ सीखने को नहीं मिला या फिर एंटरटेन नहीं हुआ, और दूसरे वीडियो के एंड में उसको बहुत ही ज्यादा मजा आया या फिर एंटरटेन हुआ या फिर कुछ सीखने को मिला, तो यूट्यूब इस वाली वीडियो को ज्यादा रिकमेंड करेगा। अब तुम बोलोगे यूट्यूब को सेटिस्फेक्शन का कैसे पता चलता, YouTube फिलहाल तो इसके लिए सर्वेज ले रहा है, लाइक तुम्हें YouTube पर ये सब तो दिखता ही होगा। इससे YouTube को ये पता चलता है कि कौन सी वीडियो सच में अच्छी है, जो व्यूअर्स को रेकमेंड कर सकता है। अब वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि लाइक तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि जिससे तुम्हारी वीडियोस को YouTube रेकमेंड करे। इसका मैं तुम्हें सिंपल सा जवाब दूंगा कि तुम अपने दिमाग से एल्गोरिदम वर्ड को निकाल दो और उसके जगह ऑडियंस लगा लो, क्योंकि देखो आखिर में एल्गोरिदम ऑडियंस को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे कि तुम्हारी कोई वीडियोस व्यूज नहीं ला रही, तो ऐसा मत कहो एल्गोरिदम उसको प्रमोट नहीं कर रहा, ऑडियंस उसको नहीं देख रही। तो मैं वीडियो को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता हूँ जिससे कि ऑडियंस उसको पूरा देखे बिना बिल्कुल भी स्किप करे, या फिर मैं अच्छे आइडियाज और टॉपिक्स कहाँ से ला सकता हूँ? तो तुम अपना माइंडसेट चेंज कर लोगे और तुम एक्चुअली में ऐसा कॉन्टेंट बनाओगे जो अपने व्यूवर्स को पसंद आएगा और तुम्हें ग्रो होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो, मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में।